आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है आप कैसे किसी वायरल वीडियोस के टैग को देख सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको लगे कि कोई टैग आपके काम का है तो आप उन्हें अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे उन्हें कॉपी किया जा रहा है, डाउनलोड किया जा रहा है। कोई भी वीडियो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आता है, टैग कहाँ दिखाई देते हैं, कहाँ से डाउनलोड होंगे, और फिर ऑफिशियली आप उन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाया जाएगा, आप देखिए। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप भी ये सब देख सकते हैं, कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियो को वायरल होने के लिए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर टैग दिखाई देते हैं। तो किसी भी एक वीडियो पे हम क्लिक करेंगे, जैसे कि अभी ट्रेंडिंग वाले वीडियो को मैं दिखा देता हूँ। ट्रेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एक वीडियो पे हम क्लिक कर देते हैं, जैसे कि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया। अब इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टैग इस्तेमाल किए गए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, ये राइट साइड में आपको जितने भी टैग्स हैं ये दिखाई दे रहे हैं, आशीष चंचलानी न्यू, ऐसे करके आशीष चंचलानी न्यू वीडियो, ये सारे टैग्स हैं। आप यहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है, जैसे कि इस चैनल पे 17.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और डेली एवरेज सब्सक्राइबर जो इस पे 16.7 थाउजेंड, 16,700 सब्सक्राइबर पर डे जुड़ते हैं नए इस पे हैं, और व्यूज़ इतने आ चुके हैं लास्ट 30 डेज में 82.7। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ अब ये सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे का स्टेप आपको बताता हूँ, आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है वेडीक्यू गूगल एक्सटेंशन, ये आपकी विंडो पे आ गया है। सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें वेडीक्यू वर्जन फॉर यूट्यूब गूगल क्रोम, इस पर क्लिक कर लेना है। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा और आपको करना है ऐड टू क्रोम पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद अब यह है आपके गूगल क्रोम एक्सटेंशन में ऐड हो रहा है। यहाँ कॉर्नर में आपको यह दिखाई देगा, ये देखिए ये ऐड हो चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही ऐड होगा, ऐड होने से पहले आपकी जीमेल आईडी मांग सकता है या आपसे ऑथराइजेशन मांग सकता है, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ था इसलिए नहीं मांगा। अगर नहीं मांगे तो बहुत अच्छा है। ये करने के बाद जैसे ये ऐड होगा आपके चैनल पे, इस तरह से यूट्यूब ऑफिशियल पेज वेडीक्यू का अपने आप प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या क्या जानकारी देख सकते हैं ये इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है इस वेडीक्यू की साइट पे, या फिर आप अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं जीमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं यहाँ पे जीमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या जानकारी मिलेगी वह आप अभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे ये आने लगा है मेरे सामने। अभी थोड़ा नेट थोड़ा स्लो है इस वजह से। ये देखिए, राइट साइड में आप देख रहे हैं वेडीक्यू इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। इस अभी तो वेडीक्यू के ऑफिशियल पेज की आपको जानकारी मिल रही है। इस तरह से आपको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं टैग और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किसी अदर चैनल्स की आपको जानकारी। तो मैं यहाँ यूट्यूब के होम पेज पे आ गया हूँ। यूट्यूब के होम पेज पे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, इन पे आप किसी भी वीडियोज पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं अगर क्लिक करूँ, मैंने ये पहचान म्यूजिक पे क्लिक किया। इस पे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में आपको देखिए लॉगिन पे क्लिक किया, और ये
जो हम पहचान म्यूजिक हमने अभी वीडियो सॉन्ग के लिए वीडियो देखने के लिए क्लिक किया था, अब ये राइट साइड में आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगी। वैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 5.7 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5.07। अभी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाइए, अभी देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी दिखाई दे जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये इस वीडियो के अंदर यूज किए गए टैग्स हैं। ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे जो टैग्स हैं ये इस वीडियो के अंदर यूज किए गए हैं। यह इनको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से फाइल डाउनलोड होगी CSV फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको जो जानकारी मिल रही है, मैंने अभी दिखाया था चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, वो यहाँ पे शो कर रहा है 5.07 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, टोटल व्यूज़ इतने हैं इस चैनल पे और एवरेज डेली व्यूज़ इस पे 316.4K आ रहा है और एवरेज डेली सब्सक्राइबर है 2667। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी और आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। वेडी क्यू का आपको गूगल एक्सटेंशन अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है और उसको अपनी किसी भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आप किसी भी चैनल को यहाँ पे किसी भी वीडियो को प्ले करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जानने की कोई कहीं भी मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपके राइट साइड में दिखाई देगी। आप जैसे जो वीडियो आपके मतलब का है उसके टैग्स आप कॉपी कीजिए और अपने वीडियो को वायरल कीजिए। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे वायरल वीडियोज़ के टैग कॉपी किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है और अब आप अपने वीडियोज़ को कैसे वायरल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि नए यूट्यूबर्स की हेल्प हो सके। और कोई भी अगर डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।